नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू दी आरआरआर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है टू सेलिब्रेट देयर अचीवमेंट्स एंड टू वोकलाइज देयर डिमांड्स एंड राइट्स इन द सोसाइटी। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग कहानी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। 1908 वुमेन इनइक्वालिटी और ऑपरेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उनके पास आवाज उठाने के बजाय और कोई चारा ही नहीं बचा था। तब लगभग 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। प्रोटेस्ट मार्च का एजेंडा था शॉर्टर वर्किंग आवर, पे इंक्रीमेंट एंड वोटिंग राइट्स। अब आज के चलन से देखा जाए तो सुन के ये काफी आसान लगता है, पर 1908 में ऐसा प्रोटेस्ट पुल आउट करना, वो भी बाय वुमेन, टुक अनइमेजिनेबल करेज एंड बोल्डनेस। और इसी करेज और बोल्डनेस को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में पहला नेशनल वुमेन्स डे अनाउंस किया। और तब से लेकर 1913 तक हर फरवरी के लास्ट संडे को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता था। 1910 कोपेनहेगन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में अ वुमन नेम्ड क्लारा ज़ेटकिन, जो कि जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की एक लीडर थी, उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आइडिया प्रपोज किया। उनका कहना था कि हर साल दुनिया भर में वुमेन्स डे सेम डे पर सेलिब्रेट होना चाहिए, और उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही सारी औरतों ने इस आइडिया को वार्मली वेलकम किया और एस्टैब्लिश हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक एक साल बाद 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड में पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। लगभग 10 लाख लोगों ने इन रैलीज में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें राइट टू वर्क, राइट टू वोट, राइट टू बी ट्रेन्ड, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए गए। 1913 और 14 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 के पीस कैंपेन शुरू होने से पहले February 23rd, द लास्ट संडे, रशिया में पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उस समय जब जूलियन कैलेंडर के हिसाब से रशिया में 23rd फरवरी थी, तब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से डेट 8 मार्च था। Hence, International Women's Day, March 8 को मार्क हुआ। 1917 में रशिया के औरतों ने वर्ल्ड वॉर 1 में 20 लाख सोल्जर्स के मरने के बाद वहां के गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग और रिजिड प्रोटेस्ट एग्जीक्यूट किया फॉर देयर राइट टू वोट, एंड येट अगेन इट रिजल्टेड विद वुमेन ऑफ रशिया हैविंग राइट टू वोट टू चूज देयर गवर्नमेंट। द आरआरआर अलोंग विद होल वर्ल्ड सैल्यूट द करेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सच फोर्स जिन्होंने खुद के लिए आवाज उठाई। इस साल इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होगा विद द थीम चूज टू चैलेंज, तो अपने हाथ उठाइए and choose to challenge against gender biases. Choose to challenge against inequality. Choose to challenge for safer society for women to live in. Because with challenge comes change. And change is what we seek for a better future. Jai.